नमस्कार, मेरा मेज आपका चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो पे मैं आपको एक ऐसा प्रोसेस बताने वाला हूँ जिससे आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करा सकते हो। अगर आप अपने आधार सेंटर के बार बार चक्कर लगा रहे हो और आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करा सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए आप अपने मोबाइल में किसी भी ब्राउजर को ओपन करेंगे और गूगल में आपको लिखकर सर्च करना होगा UIDAI। उसके बाद आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपको सबसे फर्स्ट नंबर पे वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं UIDAI.gov.in। आपको इस वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद वेबसाइट इस तरह से ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, आपको थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा बुक एंड अपॉइंटमेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, बुक एंड अपॉइंटमेंट। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपकी जो अगली डिटेल है वो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी डिटेल है वो अगली ओपन हो चुकी है। यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता देता हूँ आप अपने आधार कार्ड में क्या क्या अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सभी ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप अपने आधार कार्ड में अपना नाम अपडेट कर सकते हैं, एड्रेस अपडेट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं, ईमेल आईडी लिंक कर सकते हैं, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपडेट कर सकते हैं, जेंडर भी यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप बायोमेट्रिक फोटो फिंगरप्रिंट भी अपडेट कर सकते हैं। तो अगर आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट में आएंगे। यहाँ पे देखिए सबसे नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। और इस पर क्लिक करने के बाद आपकी जो अगली डिटेल है वो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, आप अपने आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हैं वो वाला यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना कैप्चा कोड डालेंगे। यहाँ पे जो आपको कैप्चा कोड दिख रहा है इस कॉलम में आप फिल करेंगे, और उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है सेंड OTP, यहाँ पर आप सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने मोबाइल नंबर और यहाँ पे कैप्चा कोड फिल कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा सेंड OTP, आपको इस पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपने जो भी यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर किया है उस पर एक OTP सेंड कर दिया गया है। यहाँ पर आपको अपना OTP डालना है। तो यहाँ पर मैंने OTP को डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा सबमिट OTP एंड प्रोसीड, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपकी जो अगली डिटेल है वो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा अपडेट आधार, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपको पेंसिल का ऑप्शन मिला है अपडेट आधार, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी जो अगली डिटेल है वो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए आपको अपना फुल नेम डालना है, यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है। तो यहाँ पे मैं अपना नाम और यहाँ पे आधार नंबर फिल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना नाम और यहाँ पे आधार नंबर फिल कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अगर आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है मोबाइल नंबर, ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको एक नीचे ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड, आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, कैंसिल और ओके, यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे देखिए आपको दो ऑप्शन मिलेंगे बैक, और उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा सेव एंड प्रोसीड, ठीक है। यहाँ पर आपको जो सेव एंड प्रोसीड का ऑप्शन मिला है इस पर आप क्लिक करेंगे। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपकी डिटेल इस तरह से ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, ये जो आपको कॉलम दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे। और इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको सबसे लास्ट में ऑप्शन मिलेगा सबमिट, ठीक है, यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं योर अप्लीकेशन हैज बीन क्रिएटेड, यहाँ पे आपको एक अपॉइंटमेंट आईडी नंबर मिल जाएगा, इसे आप नोट कर लीजिए। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं, इसकी रिसिप्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है डाउनलोड रिसिप्ट है, ठीक है, तो आप इसे यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है बुक अपॉइंटमेंट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए आपकी डिटेल इस तरह से ओपन हो जाएगी। यहाँ पर देखिए सबसे फर्स्ट नंबर पर आपको ऑप्शन मिलेगा सर्च बाय सेंटर नेम, तो आप किस शहर में रहते हैं, यहाँ पर आपको अपने शहर का नाम डाल देना है। जैसे कि यहाँ पे मैं डाल देता हूँ दिल्ली, ठीक है, तो आप जिस शहर में रहते हैं उसे यहाँ पे आप फिल कर दीजिए। यहाँ पे मैंने दिल्ली को यहाँ पे फिल कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा गेट डिटेल्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे गेट डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप गेट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए दिल्ली में जो भी आधार सेंटर होंगे वहाँ पे सभी आधार सेंटर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी आधार सेंटर के यहाँ पे नाम आ चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे पता कर सकते हैं आपके एरिया में आधार सेंटर कौन सा चला है, यहाँ पे आप उसका पूरा नाम पता एड्रेस देख सकते हैं, ठीक है। तो आप जिस आधार सेंटर पे यहाँ पे जाना चाहते हैं, जिस आधार सेंटर के यहाँ पे आप अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है बुक अपॉइंटमेंट, आपको इस पर क्लिक कर देना है।
इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखिए आपकी डिटेल इस तरह से ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखिए आपको कैलेंडर इस तरह से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए जो आपको ग्रीन कलर में यहाँ पे डेट दिख रही है इसे आप बुक कर सकते हैं, और जो आपको रेड कलर में यहाँ पे डेट दिख रही है इसे आप बुक नहीं कर पाएंगे। तो आप यहाँ पे जो सी डेट बुक करना चाहते हैं उस डेट को यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे टाइम टेबल देखने को मिल जाता है। आप कौन सा यहाँ पे टाइम टेबल सेलेक्ट करना चाहते हैं उस टाइम टेबल को यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं 12 PM को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद देखिए सबसे लास्ट में आपको ऑप्शन मिल जाता है सबमिट। आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखिए आपकी अगली डिटेल इस तरह से ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखिए आधार सेंटर का यहाँ पे पूरा नाम पता एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद आपने जो भी यहाँ पे डेट सेलेक्ट की होगी वहाँ पे आपकी डेट आ जाएगी, और जो भी आपने टाइम सेलेक्ट किया वहाँ पे आपका टाइम आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा कन्फर्म, ठीक है। सबसे लास्ट में आपको ऑप्शन जाता है कन्फर्म, आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी PDF फाइल है वहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार अपडेट फॉर्म, ठीक है। इस आधार अपडेट फॉर्म को आप प्रिंट आउट करा लीजिए, और प्रिंट आउट करने के बाद देखिए आपको क्या करना है। आपने जो भी आधार सेंटर सेलेक्ट किया है आपको उसी आधार सेंटर पे जाना है, और जो आपने टाइम टेबल जो आपने डेट सेलेक्ट की है उसी डेट और टाइम टेबल पर आपको इसी आधार सेंटर पे जाना है, और उस आधार सेंटर पे आपको 50 रुपये देने होंगे, ठीक है। और 50 रुपये देने के बाद में आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है, आपको आधार सेंटर के बार बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको आधार सेंटर पे लाइनों में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने टाइम पर जाएंगे और आपके आधार कार्ड में हैंड टू हैंड मोबाइल नंबर लिंक कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।